अभी आपका हालात कैसा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है? अभी तो है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कल से हालात बेहतर है, खांसी थोड़ा हो गया कल से। ठीक है, ये बताइए बड़रिया के जो थाना प्रभारी हैं पंकज पासवान जी और दीवान के जो एसपी महोदय हैं, क्या मांग करेंगे उनसे? हम इन लोगों से यही मांग करना चाहते हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको बचना नहीं चाहिए अपराधी जो भी इस घटने को अंजाम दिया है, जो भी इस पूरे घटने को अंजाम दिया प्री प्लान के साथ। कौन कौन था इसमें? लाल बाबू था। मतलब क्या आप, हालात तक बहुत बेहतर नहीं है? हालात अभी दयनीय है, इसलिए कि बहुत सारी इंजुरी है, अंदर में इन्फेक्शन है, काउंट्स बढ़े हुए हैं, फेरम बिलरुबिन्स बढ़े हुए हैं, तो इसके हायर एंटीबायोटिक वगैरह दवा दी जा रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में ये इसमें सुधार होगा। आप भी कहते हैं? जी जी। थाना से क्या है, क्या हिसाब? थाना मैं BDC हूँ यहाँ के फिलहाल, और अच्छा। मैं सदर भी हूँ। सदर भी हैं जी। तो हम लोग गए थे थाना पे, भी गए थे कल, भी गए आज भी गए थे, लेकिन जिस दिन गए उसमें फिर FIR, मतलब वो एक रोज बात किए, FIR करने के बाद पुलिस को जो रवैया है वो रवैया एकदम मतलब नाकामी है। मतलब पुलिस का जो काम है, इतना बड़ा घटना घट गया तो घटना के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करना चाहिए, जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे हमेशा यहाँ आके वो लोग 4-5 लड़के, नए नए लड़कों को भेज रहा है, धमकी दे रहा है, हमको खुद धमकी मिली हुई है। कौन दिया धमकी? वही उसका बड़ा भाई है जो दुबई रहता है, मुन्ना नाम है, दुबई से धमकी दे दिया जी। क्या बोल उसका दिया? वीडियो क्लिप भी है हम लोग के पास। क्या बोला? मवारी से आदमी भेज के मरवा देंगे, चाँप से आदमी भेज के मरवा देंगे, इस तरह का तो वो लोग का रवैया है, बताइए। तो बढ़रिया थाना प्रभारी साहब लोग बताए, सारी बात बताई गई है भाई, सारी बात बताई गई है। तो कुछ होगा तो कौन होगा जिम्मेदार आप लोग? जिम्मेवार वो थाना प्रभारी होगा, हम लोग तो लिखित में दिए हुए हैं, प्रशासन जिम्मेवारी होगी। लिखित में दिए हैं आप लोग? जी जी। कई लोग गए थे अभी, दो कम से कम हम लोग 100 आदमी से ऊपर, 3 आदमी गाड़ी से धमकी देकर गया है कि अब तुम लोग लाश गिनो कितना लाश गिरेगा। तो हम प्रशासन से, आवाम से यही कहना चाहते हैं कि अगर कुछ भी हमारे घर के लोगों को, हमारे खानदान वाले को, किसी को भी किसी तरह का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार यही लोग होगा, कौशर का बेटा होगा जो दुबई में बैठा हुआ है, और लल्लू का खानदान होगा, और प्रशासन होगी, क्योंकि प्रशासन इसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया है। ये आप गांव वालों से भी पता कर सकते हैं। हमला एक आप पर हुआ था जी, और किस, एक तो हॉस्पिटल में है जी, हॉस्पिटल में नूरुद्दीन है वो, और किन पे हुआ है? और एक प्रिंस है, वो भी अभी सिवान हॉस्पिटल में, वो भी हॉस्पिटल में ही है ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है, लेकिन अभी उनका बंडिज चल रहा है, देख रेख में है। जी बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपका बहुत खैर मकदम है हमारे गांव में, मदरसे में, ये चैनल नदीम अलग अंदाज का। मेरा नाम रिजवान अहमद सिद्दीकी है और हमारे ऊपर अटैक हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, इसका हम खुलासा करेंगे। हम बाहर से आए थे, 2 मार्च को रात में पहुँचे थे और 3 मार्च को हमारे ऊपर 8:30 बजे के करीब में अटैक हुआ। ऐसा लग रहा था ये प्री प्लानिंग था, और हम अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे, 4-5 आदमी मोहल्ले के बैठे थे, जिसमें मदरसा के सेक्रेटरी थे और हम खुद मदरसा के नायब सदर भी हैं, और हमारे बड़े अब्बू थे और इम्तियाज आलम जो सिगरेट जो मेंबर हैं वो भी थे। यानी हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, तब तक अचानक हमारे घर के पास में ही मोहल्ले में लल्लू है, जिनका जावेद आलम नाम है, अख्तर शाह साहब के लड़के हैं, उन्होंने और अपने 3 लड़के के साथ, सल्लू नाम है, सल्लू फैसल और कैफ, और उसका एक भगीना है जिसका नाम है जिशान, इन लोगों ने मिलकर पहले हमारे ऊपर आकर पास में गाली देना शुरू किया, उसके बाद से फिर हम लोग उन लोगों को भगा दिए, और वो उन लोगों ने फिर वापस आकर दाब छुड़ी हाथ में लिए हुआ था और एक तलवार जैसा कोई चीज़ था उससे हमला कर दिया। लल्लू ने हम पे
हमला किया, दो आदमी पीछे से पकड़ा हुआ था, दाब से हमको मारा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट गया और काफ़ी गहरा इंजुरी है और आँख पे चोट लग गया, जो अभी देख सकते हैं ये आँख हमारा अभी नहीं खुल रहा है, पूरा नहीं खुल रहा है, कल से थोड़ा खुलना शुरू हुआ है। और बचाने में हमारा चचेरा भाई नूरुद्दीन है, वो वहीं पे खड़ा था, वो हालात को समझ पाता ताकि ये घटना हो गया। वो आकर हमको जैसे बचाने आया, तब से दो मिनट बाद उन लोगों ने वापस आकर नूरुद्दीन को मारा, पेट में तलवार के जैसा बड़ा चीज़ से, जिसका उसका तीन चार आँत जो है यानी पेट का आंतरी वो डैमेज हो गया। और हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, जो 5 घंटा इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद उसका आँत काटकर बाहर निकाला गया। तीसरा हमारा भतीजा जो है वो बचाने के लिए आया, प्रिंस नाम है, उसको भी उन लोगों ने चाकू से बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया। यानी उन लोगों का शायद मकसद यही था कि मारने का। उनके पीछे उनका भाई है, उसका नाम है, वो लोग दुबई रहता है, उन लोगों का मुन्ना नाम है, झुन्ना नाम है और चमचम नाम है, उन लोगों का दूसरा और भी नाम है एक, लेकिन इस नाम से लोग पहचाना जाता है। उन लोगों का पूरा नकली कारोबार है, ये पूरा हुंडी का नजायज ये लोग धंधा करता है, और जिसके वजह में इन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये पैसा का रोब दिखाकर हम लोगों के साथ इस तरीका से घटना की हुआ है। हमला 3 आदमी पे हुआ है, रिजवान पे और नूरुद्दीन पे और प्रिंस पे। ठीक है, हमला हो गया, तो आपको क्या लग रहा है हमला क्यों हुआ है? ये हमला होने का मकसद कोई पर्सनली नहीं था, कभी हम लोगों में आपस में पर्सनली झगड़ा नहीं हुआ। ये हमारा मदरसा है, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन पडरौना, इसमें उन लोगों का कब्जा था तकरीबन 15 साल से। कौसर शाह साहब ये मदरसा के सेक्रेटरी थे, 6 साल तक उन्होंने चलाया, 6-7 साल तक, उनका इंतकाल किए हुए भी 6 साल हो गया। तो जब तक वो थे सही से चला, उनका इंतकाल करने के बाद उनके लड़के भाई भतीजे सब ने इस मदरसे को कब्जा कर लिया, और इसमें जो भी राशि आता था उनका उस लोगों ने मिसयूज किया, खाया, बर्बाद किया। मदरसा का खेत था उसको मिसयूज किया, मिट्टी काट कर घर भर लिया। ये सारा आवाम जान रहा है, गाँव के लोगों को मालूम है। ये सारा बर्बादी देख कर हम लोगों ने फैसला किया कि गांव में एक लिखित में सेक्रेटरी होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, कमेटी होना चाहिए कि जो मदरसा को अच्छा से सही से बढ़ा सके, आगे ले चले और इसमें दीन की तालीम हो। इसके वजह से हम लोगों ने मीटिंग किया और नया कमेटी का गठन किया, जिसमें गांव वाले ने जनाब आफ्ताब साहब को सेक्रेटरी चुना और जनाब शरीफ अंसारी साहब को नायब सेक्रेटरी और पप्पू खान साहब को सदर और नायब सदर, हमको रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब को, और इसके अलावा 17 मेंबर चुने गए। ये जी जी, और इसी के वजह से उन लोगों ने विरोध किया। पहले ये मीटिंग ये 28 नवंबर 2022 को ये कमेटी का गठन हुआ। इसी वजह से इन लोगों ने विरोध किया कि नहीं, हम मदरसा हमारा बाप थे, मालिक इसका सेक्रेटरी चुना गया, अब हम ही चलाएंगे, दूसरा कोई नहीं चलाएगा। इसी के लिए इन लोगों ने विरोध किया और इस विरोध के चलते इन लोगों ने इतना बड़ा अंजाम दे दिया। तो आप लोग, ये मामला कब का है? ये मामला 3 तारीख को रात में यानी जुमा के दिन। ठीक है, तो आप लोग FIR कब किए हैं? हम लोग FIR 4 तारीख को यानी शनिचर को 2 बजे दिन में थाना पर जाके हम लोग किए, FIR हो गया। लेकिन पुलिस का एक बार कल यानी कल कौन सा दिन था, 5 तारीख को आतवार को रात में 9 बजे पुलिस आई, आकर उनके घर देखा और जो घटना का जगह है उसका मुआयना करके चला गया। लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो काफ़ी सुस्त है, अपराधी जो है वो लोग घूम रहा है। आज गांव में बहुत सारे लोगों ने देखा है, वो लोग आ रहा है अज्ञात कुछ लोगों के साथ, आ रहा है जा रहा है घर पर, 3-3 आदमी 4-4 आदमी एक बाइक से आ रहा है जा रहा है। और हमारे घर वाले को धमकी मिला है दरवाजे पर, 3 आदमी गाड़ी से धमकी देकर गया है कि अब तुम लोग लाश गिनो कितना लाश गिरेगा। तो हम प्रशासन से आवाम से यही कहना चाहते हैं कि अगर कुछ भी हमारे घर के लोगों को, हमारे खानदान वाले को, किसी को भी किसी तरह का नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार यही लोग होगा, कौसर का बेटा होगा जो दुबई में बैठा हुआ है और लल्लू का खानदान होगा और प्रशासन होगी, क्योंकि प्रशासन इसके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन अभी तक नहीं लिया है। ये आप गांव वाले से भी पता कर सकते हैं। हमला एक आप पर हुआ था जी, और किस, एक तो हॉस्पिटल में है जी, हॉस्पिटल में नूरुद्दीन है वो, और किन पे हुआ है? और एक प्रिंस है, वो भी अभी सिवान हॉस्पिटल में, वो भी हॉस्पिटल में ही है ना, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है लेकिन अभी उनका बंडिज चल रहा है, देख रेख में है। चलिए ठीक है, इधर आइए। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम बंसी यादव।
बंसी यादव। हाँ। अरे तो क्या है मामला पूरा? देखिए, हम जितना आदमी था इसमें झूठा सच्चाई बोलने का सवाल नहीं है। रोड पर तीन महाने का मामला है, वहाँ पर बोलते रहिए आप। हाँ। अच्छा, वहाँ पर जाने ये सब हल्ला गोली जब हो रहा था 9 बजे 9:30 बजे के करीब का बात है, लेकिन एक ही बात है कि कोई आदमी हिंदू आदमी समझिए कि उसमें नहीं गया, कहा कि मार बहुत जोर हो रहा था, मतलब इतना हो रहा था कि इनको मारा, इनका सब कुछ हमको सुनाई पड़ा हम लोग, लेकिन नहीं गए। इसलिए हम लोग कोई आदमी नहीं गया कि ये हिंदू मुसलमान का टेंशन हो जाएगा, होने के बाद पर से ये झगड़ा बढ़ जाएगा, हम लोगों से झगड़ा होगा उन लोग का और हम लोग का माथा पर आ जाएगा, तो कोई आदमी उसके वहाँ से उधर हम लोग नहीं गया। मैंने छुड़ाने उड़ाने आप लोग नहीं गए? छुड़ाने नहीं गए? मोहम्मद अलाउद्दीन साहब जी, शाह साहब क्या कहेंगे रिजवान साहब जो कह रहे हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? इनकी बातों में हम उस टाइम में खाना खा कर टहल रहे थे तो देखे कि ये छुड़ा रहे थे, भगा बोल रहे थे कि तुम लोग घर में जाओ, गाली गलौज जो दे रहा था तो कह रहे थे कि तुम लोग अपने घर में जाओ, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, अलग हम खड़ा थे। उसके बाद में तो उसमें फाइट, अब चाकू तो नहीं देखे मगर एक घर से चाकू निकला, अब फाइट और चाकू अब चलने लगा उसमें, तो रात में अंधेरे में तो दिखाई नहीं दिया कि कौन मारा क्या किया, मगर ये रिजवाने साहब बतलाएंगे कि कौन मारा, इन्हीं कुछ लगा। तो आप लोगों को क्या लग रहा है ये मामला क्या है, आपसी इन लोगों का आपसी विवाद है कि? आपसी विवाद यही है कि मदरसे के लेकर ये विवाद है, माने आपसी आपस वाला लड़ाई नहीं है, मदरसे का मदरसे के लेकर लड़ाई है, मस्जिद के लेकर लड़ाई है कि हमारा खानदान हम ही लोग आगे रहें, हम ही लोग सिक्रेटरी रहें, यही तो बात है, इसी के लेकर चल रहा है। तो आप लोग गए थे थाना पर? जी गए थे। आप भी गए थे? जी। क्या थाना प्रभारी क्या बोले? नहीं बोले कि हम बाद में बुलाएंगे, हम बाद में बुलाएंगे। हाँ, उसके बाद में आप खड़े थे तो आपके पास में हम लोग गया। हाँ। चले आए, चलिए इधर ले आइए, इधर ले आइए। जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं नायब सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी हालात पड़ावने में था आज तक ऐसा नहीं हुआ, हिंदू हो या मुस्लिम हो आज तक ये सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा होगा, आना हुआ है, लेकिन ये मदरसे मस्जिद के तहत में मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसको आप ओपन करना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 15 सालों से उनके 5-7 साल उनके वालिद ने चलाया, उनके बाद उनके लड़कों ने चला रहे हैं, उनके लड़कों ने इस मदरसे को बिल्कुल जो कहा जाता है आकाश लेकर के पाताल में जाने के लिए ये पाताल में लेकर चले गए, तो गांव वालों ने सोचा कि जिस मकसद ने बुजुर्गों ने मदरसा को कायम किया उसमें शिक्षा नहीं हो रही है, तालीम नहीं दी जा रही है और बिल्कुल खंडहर पड़ा था, तो लोगों ने नौजवानों को बोला कि भाई ये मदरसा हम लोगों ने बनाया, उसमें कुछ लोग चंद लोग जिंदा हैं जो अब तो कब्र में जा चुके हैं, तो उन लोगों ने कहा कि भाई मदरसा जिस मकसद से कायम किया गया इस मदरसे में कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा है कि कोई नौजवान हो कि इस मदरसे को चलाए, तो उन लोगों के कहने पर पड़ावना के नौजवानों ने कमेटी तैयार की और बनाई गई 28 नवम्बर को गठन किया गया सारे कागजात के साथ, और गांव वालों ने इकट्ठे हुए सदर सेक्रेटरी चुने, नायब सदर और सेक्रेटरी चुने गए, उसके तो उनको नहीं बुलाया गया मीटिंग में, बुलाया गया उनको चुनाई हो। हाँ, चुन रहे थे बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ पर हमको रोका, ठीक है। हाँ। उन लोगों को कमेटी ने जाकर भी खबर की, मोबाइल से भी खबर की, बच्चों को मदरसे को एक दो बच्चे थे उनको भी भेजा गया हर घर दरवाजे। हाँ, जुम्मा को जो होता है नमाज होती है हफ्ता में एक रोज, जो जुम्मा को ईद कहते हैं हफ्ता की, उस दिन भी ऐलान किया गया, लेकिन नए पुराने सेक्रेटरी या नए सदर कोई मदरसे पर जो क्या नाम मीटिंग में हाजिर नहीं हुआ,
तो दो तीन बार तो कहा गया, कोई नहीं आया। उसके बावजूद ने गांव वालों ने मीटिंग को संगठन किया, बनाया, उसके तहत काम शुरू हुआ। यहां तक कि अब 3 महीने हो गए, कम से कम 4 लाख रुपये के काम इस मदरसे में हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि जो मदरसा जो था टूटा फूटा था, यहाँ के जो कड़ियाँ थी 10 कड़ियाँ गिर गई थी, उसमें बच्चे दबने वाले थे, यहाँ सुराखे थे, सांप निकलने वाले थे। इसके तहत गांव वालों ने इसमें मुस्तैदी से काम किया है। यहाँ तक पहले एक मदरस थे, हमारे पास 4 मदरस हैं अभी। उसके बाद हमारे पास बच्चे हैं, बवाची का काम नहीं हो रहा था, बवाची भी है, यहाँ तक के 5 स्टाफ हैं हमारे पास। अब इसके तहत गांव वालों ने जज्बा से पैसा दिया, अभी देने की उम्मीद भी करते हैं, लोगों ने कामयाबी देखा। अब उन लोगों को इस हिसाब से कि हम अब जीरो पर गए हैं, इसका मतलब कि हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, इस तहत इन लोगों ने प्लानिंग करके सूझबूझ से हमारे नायब सदर के ऊपर उन्होंने अटैक किया। इन्होंने सारा नायब सदर ने मैनेजमेंट करके इन्होंने बाहर चले गए। फिर उन्होंने 3 महीने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद 1 दिन के बाद इनके पास हमला किया गया। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है, थोड़ा पूछिए तो इधर, आप लोगों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है चाचा, ये मामला जो है माने पोस्ट पावर खत्म हो गया, इसके वजह से वही इसका माने दिल सिकनी है कि ये लोग कैसे हो गए, मतलब जो चीज़ हमारे पर था, जो हम हावी थे, ये लोग कैसे हो गए। तो इसे मदरसे के तहत तरक्की होता ना, अब पूरा गाँव मिल के उन लोगों को नेगलेक्ट किया और इन लोगों को चुना, तो फिर आइए तो कोई गवर्नमेंट का ये नहीं है कि सदर से गई तो पब्लिक ही चुनेगा ना। गांव के मैक्सिमम लोग किधर हैं अभी, नहीं है मीटिंग है? नहीं, सब लोग इधर हैं, सारे लोग इधर हैं। अब किसका इसका नाम रखा जाए, पूरा गांव 100% में कितने परसेंट इधर, जैसे कि जो भी यहाँ के सदर सेक्रेटरी अभी नए जो चुने गए हैं, सब गाँव के लोगों ने चुना है, गाँव के सहमति से। जी, सहमति से। जी 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 जी। तो आप लोग थाना पे गए थे, पूरे गांव के लोग गए थे? हाँ, पूरे लोग गए थे। कौन कौन गया था थाना? आप भी गए थे? जी जी। थाना से क्या है, क्या हिसाब? थाना मैं BDC हूँ यहाँ के फिलहाल, और अच्छा। मैं सदर भी हूँ। सदर भी हैं जी, जी। तो हम लोग गए थे थाना पे भी, गए थे कल भी, गए आज भी गए थे, लेकिन जिस दिन गए उसमें फिर FIR, मतलब वो एक रोज बात की है। FIR करने के बाद पुलिस को जो रवैया है वो रवैया एकदम मतलब नाकामी है, मतलब पुलिस का जो काम है, इतना बड़ा घटना घट गया तो घटना के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करना चाहिए, जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे हमेशा यहाँ आके वो लोग 4-5 लड़के, नए नए लड़कियों को भेज रहा है, धमकी दे रहा है, हमको खुद धमकी मिली हुई है। कौन दिया धमकी? वही उसका बड़ा भाई है जो दुबई रहता है, मुन्ना नाम है, दुबई से धमकी दे दिया जी। क्या बोल उसका दिया? वीडियो क्लिप भी है हम लोग के पास। क्या धमकी? बोला मवारी से आदमी भेज के मरवा देंगे, चांप से आदमी भेज के मरवा देंगे, इस तरह का तो उन लोग का रवैया है, बताइए। तो बढ़हरिया थाना प्रभारी साहब लोग बताए, सारी बात बताई गई है भाई, सारी बात बताई गई है। कुछ होगा तो कौन होगा जिम्मेदार? आप लोग जिम्मेवार वो थाना प्रभारी होगा, हम लोग तो लिखित में दिए हुए हैं, प्रशासन जिम्मेवारी होगी। लिखित में दिए हैं आप लोग? जी जी। कई लोग गए थे अभी, दो कम से कम हम लोग 100 आदमी से ऊपर गए थे बढ़हरिया थाना पे। जी। अरे आज आईओ आलम, क्या नाम है, आफ्ताब आलम साहब आईओ है, आज भी बुलाए थे तो हम लोग सारे लोग गए थे, सारे लोग गए थे, बयान दर्ज किए हैं, सब लोग दिए हैं आप लोग, तो उस पे साइन है? हाँ है। कई लोगों का साइन है उस पे? साइन जो FIR में जो दिए थे लोग, उसमें साइन काफी लोगों का है, और FIR का नकल है, देख लीजिए आप क्या क्या उसमें दफा लगी हुई है। अच्छा, हम तो ये आपसे चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस पे थोड़ा आरा एक्शन करें और पुलिस को मुहैया कराएं, आप इस तरह की आपके चैनल पे चला के जो साहब से मांग कीजिए, SP साहब पहुँचाना, SP साहब से तो हम मांगे, SP साहब का कल गए थे, DSP साहब से भी मिले थे। सिवान के SP महोदय से क्या कहिएगा? सिवान के SP महोदय से कहेंगे भाई, इस जान जितने हम लोग इस मेंबर हैं सबको धमकी मिल रही है, उसको हमको इसको जान को हमारे खतरा है, उसको आप देखें सुने, हम लोग यही मांग करेंगे SP साहब से। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? कौन है जो भैया जी? भैया जी, भाई आप थे जब ये घटना हो रहा था? घटना स्थल पे थे हम। घटना 9 बजे का मामला है ये, करीब 9 बजे का मामला है। किनके दरवाजे पे घटा ये घटना? ये 9 बजे मैं अपना दुकान बंद करके मैं अपने घर गया, मैं नमाज प्लानिंग कर रहा था, जब से शकील का औरत है वो फोन की, आप लोग मस्जिद के अंदर ऐसे ऐसे बात की है जुमे के टाइम में, हम बोले कि आप तो नमाज पढ़ने नहीं गई थी, आपसे कौन बोला?
मैंने लड़ाई होने से पहले बात हुई थी। जुमा में कुछ गलत ऐलान हुआ था, इसके लिए लोग ऑब्जेक्शन किए थे। वो लोग ऑब्जेक्शन किए थे? नहीं, पूरे गांव ऑब्जेक्शन किया था। ऐलान कौन किया था? वो लोग कराए थे मौलाना से, इमाम साहब से। इमाम साहब क्या ऐलान हुआ था कि बोल दीजिए कि हम मदरसा के थी बाउंड्री क्या कहते हैं बाउंड्री कराएंगे, खेत का बाउंड्री कराएंगे। तो पूरे सदर सेक्रेटरी बोले कि भाई ऑफ साहब पूरा तक काम हो गया तो वो कैसे करा सकते हैं। मैंने स्वागत सदर ये सब तो हम लोग हैं। हाँ, आप हम लोग कराइएगा। तो मौलाना को सब लोग पूछा कि मौलाना को फोन करके क्यों बोले, कमेटी को ये कमेटी को बोलना चाहिए नू। जब तक मैं गए तो वहाँ से हल्ला हुआ, मैं उस औरत से पूछी कि आपको कौन बोला कि जुमा में क्या क्या बात हुआ है, आपको बतलाना पड़ेगा। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं जिससे आपको बोला उसे मैं बात करूंगी। जब तक वो लोग शरीफ साहब को गाली देने लगे, हम लोग आ रहे थे पूछने के लिए वापस, जब तक ये लोग अपने दरवाजे पर बैठे थे, दरवाजे पर बैठने के बाद ये लोग शरीफ साहब को छोड़ दिए, इनको देख के जाके गाली देने लगे। कौन कौन बैठे थे? लल्लू थे और सल्लू और फैसल, उनका चारू लड़का थे और एक जिसान उसका जो भगनी है कंटिन्यू रहता है वो भी था। तो ये लोग गया तू में माने जैसे वो हमसे बात हुआ, हमसे तू में हुआ, ये लोग हमको छोड़ दिया, हमको कुछ नहीं किया। दो तीन मिनट के बाद हम हमारे घर वाले हमको अंदर खींच के लेके आ गए। जब तक दो मिनट तीन मिनट के बाद पता लगा जो चमचम का घर है झुन्ना का, उनके घर से चाकू गया और दो तीन मिनट के बाद पता लगा कि तीन आदमी का चाकू लग गया है। आपका अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में कल मैं क्या नाम है आपका? मेरा फैयाज अहमद नाम है, मैं उनका पटदार है। वो लोग का कहना है कि तुम लोग शेख पठान के साथ में क्यों रहता है, हमारा पटदार था हमारे साथ में रहो। तो हम लोग बोले देखे जब पूरा गांव एक तरफ है तो हम आपके गलत आदमी के साथ क्यों रहूं। फिर कल का न्यूज है कि उनके घर की औरत जा रही थी सिवान हॉस्पिटल में, तो ड्राइवर से बात की है कि हम लोग 2 लाख रुपया पहले दे चुके हैं दो आदमी का जान मारने के लिए, रिजवान का हमारा, लेकिन वो अभी तक आदमी जान नहीं मरा, इसके लिए इतना लफड़ा होना था, पहले ही मार देता इतना बड़ा बात नहीं होता। वो लोग घूम रहे हैं अभी? अभी तक वो लोग घूम रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। उल्टे में कल वो लोग हम लोग पर FIR किया है कि मैं कह दो उसके घर बाद में जाके 50,000 रुपया और उसका सोना का चैन लूटा हूँ और पूरा गाँव के लोग देखा होगा न। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? मंगल बाबू बोलिए जी। मेरा नाम डब्लू खान है। मुझे तो बस इतना ही कहना है कि हमारे बड़े बूढ़े भी इस मदरसा को शुरू से सेक्रेटरी सदर आए हुए हैं, तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि हमारे मरहूम जो गुजर गए हैं उसके बाद हम चलाएंगे, ये तो थोड़ी है। राजशाही थोड़ी है कि जब कौशल साहब चलाए और ख़त्म हो गए उसके बाद ये चलाएंगे। और ये जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है, और उन लोगों के साथ जो रहने वाले हैं ना, सामने कोई नहीं है, दो चार इक्का दुक्का होंगे जो उन लोग के साथ होंगे, पूरी गांव एक साथ है। आप भी उन्हीं लोग के खानदान से हैं? जी नहीं, मेरा नाम डब्लू खान है। अच्छा, हाँ, इसी गांव से रहने वाले हैं। इसी गांव के निवासी हैं आप? जी जी। चलिए ठीक है। हाँ, मंगल बाबू से बात कर। जी मंगल बाबू क्या कहेंगे? मेरा नाम मंगल राम है, मदरसे के बगल में मेरा घर है। हमारे पास 9:30 बजे रात में फ़ोन आया कि देखिए हमारे घर पे चाकूबाजी हो गई है, थोड़ा जाकर देखिए। इनके बड़े भाई और मुन्ना सिद्दीकी कलकत्ता से फ़ोन किए थे। हम जब गए वहाँ दरवाजे पर तो देखे कि सुनने को मिला कि इम्तियाज अपने मारुति पे इन लोगों को लाद कर हॉस्पिटल ले गए। हम पूछे कि भाई कैसे कैसे का हुआ, लोग बताए का कि इम्तियाज के भाई से बाता बाती हो रहा था, उसमें नाम रिजवान का आया कि रिजवान ऐसा वैसा बोले हैं कहे हैं। रिजवान जाकर बोले कि देखो भाई कल जाकर अपना सब फैसला करना, आज तुम लोग जाओ हल्ला गुल्ला मत करो। इतना कहकर रिजवान चले गए अपने घर पे, जाकर बैठे हुए थे यही सब अपना में आपस में बात करते होंगे सब। हाँ, इतना ही समय में अब हमको मतलब सुनने को मिला, हम देखे नहीं, इतना ही मैं ये लोग चाकू और तलवार फिर था का सब लेकर हथियार लेकर गया था लोग और चला दिया उस पर। जी ठीक। तो अब और हम कुछ नहीं कहना। मेरा नाम मोहम्मद साकिब सिद्दीकी है, मैं नायब सदर रिजवान सिद्दीकी साहब का भतीजा भी हूँ और मैं वहीं था। देखिए मेरा सिर्फ एक ही मांग है पुलिस से, प्रशासन से और सिवान ज़िले के SP साहब से कि आज 3 दिन हो गया इस घटना को, खुलेआम जो है चाकूबाजी की गई और रात में जो है हमला किया गया, इतना गंभीर रूप से 3 लोग घायल हैं, एक अभी ज़िंदगी मौत के बीच में है।
पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हमारा एक ही मांग है, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अपराधियों को टहलते घूमते हुए खुलेआम देखा जा रहा है। अपराधियों के दिल से जो है पुलिस का खौफ निकल चुका है। कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है कि नहीं यहाँ पे? पुलिस एक्शन काहे नहीं ले रही? धारा 307 लगा है, हत्या की साजिश है, हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, अभी तक एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है। हम बड़हरिया थाना के जो है थाना प्रभारी कहेंगे, एसपी साहब कहेंगे, वो खुद संज्ञान में लें, इसको जांच करें क्यों इसमें ढिलाई की जा रही है। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अपराधियों कहीं से इनका कॉल ट्रेस किया जाए, इनका मोबाइल लोकेशन ट्रेस कीजिए, इनको उठाइए कहीं से भी। अगर आप नहीं पकड़ते हैं इनके, अपराधियों के दिल से जो है डर खौफ खत्म हो जाएगा। खुलेआम कहीं भी मर्डर हो रहा है, किसी की भी हत्या की कोशिश की जा रही है, उसके बाद भी घूम रहे हैं ये लोग। जानते हैं FIR लॉन्च हो चुका है, फिर भी अभी तक पुलिस क्यों नहीं उठाई? हम यही पूछना चाहते हैं, एक अपील करेंगे एसपी साहब से कि आप इसको देखिए, आप इसको खुद संज्ञान में लीजिए इसको। अगर और हमारे परिवार को भी धमकी मिली है, हमको भी धमकी मिली है एक दो दोस्तों के जरिए के जो है, अभी आप लाश गिनिए अभी कितना लाश गिरता है। ठीक, तो पुलिस हम लोग को सुरक्षा दें, इन लोगों को उठाए। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं बड़हरिया प्रखंड के जो आपका कौन गांव है, पडरावना गांव का ये मामला सामने आया है। तो ये आप देख सकते हैं, फिलहाल ये तो जांच की विषय है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अभी हमारी टीम बड़हरिया प्रखंड के पडरावना में आई हुई है और जो एक पक्ष है, दूसरे पक्ष से भी हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। बाकी ये मामला क्या है ये तो खैर जाँच का विषय है, लेकिन ये प्रशासन से अपील कर रहे हैं बड़हरिया थाना और सिवान के SP महोदय से।